और शूट खत्म हो जाने के बाद हम लोग हमेशा घूमने के लिए जाते हैं, तो इस बार हम लोग जा रहे हैं लंदन, नहीं लोनावला। तो घर के पास लोनावला ही था, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना हम लोनावला ही चले जाएं। एल से लंदन, एल से लोनावला। एल एल का मतलब लटक जाएगी रे, लुट जाएगी। देखिए मेरी जर्नी। अभी बीच में सोचा थोड़ा कॉफी हो जाए, क्योंकि 2 घंटे की ड्राइव है, इसलिए सबके लिए कॉफी लेने के लिए मैं आ गया हूँ। और जो मतलब भरी रहती थी वह पूरी कॉफी। तो अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है देविना ने और जीविता ने। जीविता, आपको कैसा लग रहा है लंदन ना जाके लोनावला में जाके? अभी हमने हाईवे टच कर लिया है, यहाँ से सिर्फ 50 मिनट बता रहे लोनावला खंडाला। और जैसे लोनावला खंडाला जाऊंगा तो वहां पे मैं एक ही गाना गाऊंगा, हाथी के खंडाला नहीं। पाब्लो महाराज का नींद खुल गया है, अभी वो सोच रहा है क्या खाऊं। पहले तुम लोनावला को क्या बोलते थे? मुझे लगा 10 साल तो लगा लोनावला बोलने में, 10 साल तो लगा। अच्छा लगा, एडिट मेरे हाथ में ही है। तो ये मेरी फेवरेट जगह, ये ड्राइव यहाँ पे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों तरफ पहाड़ और जो हाईवे है बहुत ही अच्छा है, गाड़ी चलाने में भी मजा आता है। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा लोनावला दिखता है। और ये हम लोनावला पहुंच गए हैं। गाड़ी लॉरी होता है ना, लॉरी हम लोग बंगाली में लॉरी बोलते हैं। अच्छा, इसको स्त्रीलिंग बनाया हुआ है, अगर कुछ और हो गया तो बहुत गलत लगेगा। और यहाँ से गाड़ी बोल रहा है, जीपीएस बोल रहा है कि लेफ्ट लेना है। और ये हम थोड़े कच्चे रास्ते पे आ चुके हैं, अभी आगे सामने बहुत सारे गुंडे हैं खड़े हैं, वो हमें जाने नहीं देंगे। चले जाएं। हेलो, मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। अरे वो देखो, सुअर के बच्चों, सुअर। सो 1.5 से 2 घंटे की जर्नी में हम लोग लोनावला पहुंच गए हैं। ये हमारी जगह है जहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुकने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि लोनावला में बारिश भी हो रही है, और मजा लोनावला का तभी आता है जब बारिश हो रही होती है, वो मेरा अड्डा होने वाला है। गाइस, ये थी हमारी लोनावला वाली जर्नी। और एक चीज मैं करना वापस भूल रहा हूँ, जो हमेशा मेरा एडिटर बोलता है करने के लिए, पहुंच गए। सो गाइस, जाते आज का गुरु ज्ञान ये है कि ड्राइव पे आप जरूर जाओ, जहाँ भी आपको जाना है, अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी हमेशा आराम से चलाओ, फास्ट नहीं चलाना है। जितनी गाड़ी तेज जाएगी उतना रिस्क ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बेल्ट ज़रूर लगाओ, और बिना सेफ्टी के आप
कुछ भी मत करो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब। लव यू ऑल।